तो हर तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही है। पहले चिंतन शिविर, उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन और उसके बाद आज के कार्यक्रम। सीधे रुक करेंगे राजभवन, जहां हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय लाइव जुड़े हमारे साथ, उन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। विपिन, कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही है आज दिन भर की अगर बात करें तो, बड़े बड़े कार्यक्रम है कांग्रेस के और आप भी लगता है कि प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए, क्या वहां पर माहौल है, क्या बड़े नेता पहुंच गए हैं? महंगाई के विरोध में जो कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी, उसी के कड़ी में इधर राजभवन के पास प्रदेश कांग्रेस का यहाँ धरना चल रहा है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और जो झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के अलावा झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत कई अन्य जो विधायक और नेता है वो इस धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। हम अपने सहयोगी के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बढ़ते हुए महंगाई के विरोध में जो कांग्रेस का यह धरना है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद हैं, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की मौजूदगी है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर यहां पर मौजूद हैं, कई बड़ी संख्या में लोग हैं। पूरे देश में जिस तरह से महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस चला रही है, उस कड़ी में यह धरना दिया जा रहा है और उसी कड़ी में राजभवन के समक्ष भी रांची महानगर कांग्रेस के बैनर तले जो कांग्रेस के नेता है वो महंगाई के विरोध में धरना पर बैठे हैं। और जिस तरह से बात की जाए तो देशव्यापी कांग्रेस का ये आंदोलन है सारे, हम कोशिश करेंगे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे से जुड़ने का और उनसे जानेंगे कि इस धरना के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहती है। सर, पूरे देश में आज कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत के अभियान के तहत जिला स्तर पर धरना दे रही है, क्या मैसेज देना है? महंगाई मुक्त भारत का नारा कांग्रेस ने आज ऐसे वक्त पे दिया है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का आह्वान कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस जनता की आवाज को लेकर महंगाई मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेके आज देश के कोने कोने में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। जिस तरह पिछले दिनों महंगाई के कारण एक आम जनता की, एक गरीब आदमी की मुसीबत आन पड़ी है और विशेष रूप से चुनाव के नतीजों के बाद, जिस चुनाव से पहले वोट मांगने से पहले माननीय मोदी जी देश में घूम घूम कर लोगों से उनको बहुत बेहतर सुविधाएं, कम दरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे, फ्री राशन की बात कर रहे थे और चुनाव के नतीजे आते से ही सभी चीजें बंद होकर और महंगाई की मार रोज पड़ रही है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था आज देश में है, हमारी आर्थिक नीति केंद्र सरकार की ये बहुत ही कमजोर है और इसके चलते मात्र कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए देश के लोगों पर कर का, टैक्स का बोझ बढ़ाकर और देश में महंगाई को और ज्यादा बढ़ाकर लोगों पे एक बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण ये तरीका है। और ये आंदोलन लोगों की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों की पीड़ा को जानकर केंद्र सरकार कर्ज के माध्यम से करों में कटौती कर और ज्यादा बेहतर तरीके से किसी तरह से इस महंगाई को काबू में लाए, ताकि इस देश की जनता चैन और शांति से रह सके। तो सारे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी उन्होंने बताया कि क्या मौका है और किस तरह से महंगाई को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। जी सारे, चलिए विपिन, कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है महंगाई के विरुद्ध और आज प्रदर्शन भी किया जा रहा है पूरे देश में, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय राजभवन से लाइव हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से बातचीत भी की। अविनाश पांडे ने बताया कि किस तरह से महंगाई से जनता त्रस्त है और जनता को राहत दिलाने के लिए जनता की आवाज बनकर कांग्रेस सामने आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।